आफ्टरनून स्टूडेंट्स, तो इन द प्रीवियस पार्ट हमने पढ़ा था कि कैसे अक्षरों की खोज हुई, क्या अक्षरों का महत्व है, अक्षरों का निर्माण नहीं होता तो क्या हमें अपना इतिहास पता चलता, नहीं पता चलता, हमें जो हमारे पहले की पीढ़ी आए उनका ज्ञान नहीं मिल पाता। तो चलिए अक्षरों का महत्व जानने के बाद अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रश्न एक, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? पाठ में ऐसा क्यों कहा है कि जैसे ही अक्षरों का निर्माण हुआ एक नए युग की शुरुआत हुई? अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि इसके पहले मानव सभ्यता लिखित इतिहास नहीं मिलता है। अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि जब अक्षरों का निर्माण हुआ उसके पहले का इतिहास हमें नहीं पता है, नहीं मिला हमें इतिहास उसके पहले का। अक्षरों की खोज के बाद ही एक पीढ़ी का ज्ञान इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी कर पाई। अक्षरों के ज्ञान के बाद ही हम अपने पहले की पीढ़ी का ज्ञान इस्तेमाल कर पा रहे हैं जिससे मनुष्य प्रगति के पथ पर बढ़ सका, जिसकी मदद से मनुष्य अपनी प्रगति के पथ पर बढ़ सका। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। अक्षरों की जो खोज का सिलसिला है वो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? तो पहले क्या हुआ था, पहले मानव ने चित्र बनाए, चित्र बनाते बनाते वो जानवरों के चित्र बनाने लगा, इंसानों के चित्र बनाने लगा, फिर वह अपनी भावनाएं लिखने लगा, उसने सूरज का दृश्य बनाया, फिर उससे वह धूप का भी दृश्य बनने लगा, फिर ऐसे ही वह अपनी भावनाएं चित्र में व्यक्त करने लगा, फिर धीरे धीरे वह लिखना शुरू करने लगा। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, पहले अपने भाव को व्यक्त किया चित्रों के जरिए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमी आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। चित्र संकेतों के बाद भाव अस्तित्व संकेत में आए, मतलब भाव अपने व्यक्त करने लगा चित्रों के बाद। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता, बाद में यह चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए, फिर जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, फिर धीरे धीरे ये भाव संकेत जो थे वो अस्तित्व में आए, फिर धीरे धीरे आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों के ज्ञान के पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? जब अक्षरों की खोज नहीं हुई थी तो मानव जो है अपनी बात दूर दूर तक पहुँचाने के लिए किन माध्यमों का इस्तेमाल करता था? अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि चित्रों बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। इसके पहले, जब अक्षरों की खोज नहीं हुई थी, उसके पहले, अक्षरों के ज्ञान के पहले मनुष्य दूर दूर के देशों में अपनी बात पहुँचाने के लिए पशुओं, पक्षियों का इस्तेमाल किया करता था और आदमियों का चित्र बनाकर भी इस्तेमाल करता था। भाषा का विकास पहले हुआ अक्षर लिपि का बाद में? पहले भाषा का विकास हुआ फिर अक्षरों का बाद में। बोली गई भाषा को अक्षरों की मदद से लिखा जा सकता है। कई लोग ऐसा भी होता है जो अक्षर नहीं पहचानते पर भाषा अच्छी तरह जानते हैं। ऊपर की पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए भाषा और अक्षर के संबंध के बारे में एक अनुच्छेद लिखो। मतलब कहना चाह रहे, भाषा का विकास पहले हुआ और अक्षर और लिपि का बाद में। कोई इंसान अक्षर नहीं जानता लेकिन भाषा जानता है। भाषा का आरंभ मानव की उत्पत्ति के साथ हुआ। जैसे ही मानव की उत्पत्ति हुई वैसे भाषा की उत्पत्ति हुई। शुरुआत में मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया। सबसे पहले मानव अपने भाव चित्रों के जरिए व्यक्त करने लगा। अपनी बातों को समझाने के लिए चित्र संकेतों के बाद मानव ने भाव संकेतों का सहारा लिया। अपनी बात को समझाने के लिए पहले वह चित्र का इस्तेमाल करने लगा, फिर वह अपने भाव को संकेतों का इस्तेमाल करने लगा। धीरे धीरे विकास की गति बढ़ने के साथ ही ध्वनि का विकास हुआ। जैसे जैसे विकास बढ़ा वैसे वैसे ध्वनि का विकास हुआ। मानव अपने विचारों को ध्वनि के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचा सकते थे। फिर उसके बाद मानव अपने बोलकर, मतलब खुद बोलकर अपनी जो बात है एक दूसरे तक पहुँचा सकते थे। इस तरह भाषा का विकास होता गया। अक्षरों के प्रचलन ने मानव विकास को अभूतपूर्व गति दी। अक्षरों का जब विकास हुआ उसने मानव को विकास की अद्भुतपूर्व गति थी, भाषा को शिखर तक पहुंचा दिया। मानव अब अपने विचार और इतिहास को अक्षर में सहेज कर रखने लगा। मानव फिर अपने इतिहास को
अपने विचारों को अक्षरों में व्यक्त करने लगा और उसको सहेज कर रखने लगा। भाषा और अक्षर एक दूसरे के पूरक हैं। कई लोग भाषा तो अच्छी तरह बोल पाते हैं परंतु उन्हें अक्षर में ढाल नहीं पाते हैं। यह लोग अपने विचारों को सहेज कर रख नहीं पाते और दूसरों के विचारों को पढ़ नहीं पाते। यह लोग जो भाषा तो बोल लेते हैं लेकिन अक्षरों में उसे लिख नहीं पाते, वो लोग अपने विचारों को सहेज कर नहीं रख पाते हैं और न दूसरे के विचारों को पढ़ पाते हैं, जिस कारण यह एक सीमित जीवन जीते हैं। अक्षर द्वारा लेखन कार्य भाषा का अटूट अंग है। आज की दुनिया में अक्षरों के बिना भाषा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अक्षरों का महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। ध्वनि मतलब बोलना, जो हम बोलते हैं उसके महत्व के बारे में लिखना है। ध्वनि हमारे विचारों को बोलकर प्रस्तुत करने का साधन है। जो अपने विचार हैं हम बोलकर जो प्रस्तुत करते हैं ध्वनि, उसका साधन है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यही नहीं होगी तो हम अपने भाव कैसे स्पष्ट करेंगे, हम कैसे बात करेंगे। पुराने जमाने में लोग क्या सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी, अनुमान लगाओ और बताओ। पुराने जमाने में लोग कैसे क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है। पुराने जमाने में लोग यह इसलिए सोचते थे क्योंकि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की, क्योंकि उन्हें इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी यह कब और कैसे शुरू हुआ, क्योंकि उन्हें इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी कैसे हुआ कब हुआ। लेकिन हमें अब इसकी जानकारी है, कौन सा अक्षर किस देश में और कहाँ निर्माण हुआ हमें यह भी पता है। नाउ हमने चैप्टर 5th भी कंप्लीट कर दिया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर 6।